दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर सेंटीमेंट पर। जो भाई मेडिकल के लिए NSC का जा रहे हैं तो उनको मैं प्रोसेस बताता हूँ कि वो एंट्री से लेकर के क्वारंटाइन तक का। सबसे पहले आप सभी इसे यहाँ पर बाहरी गेट के बाहरी से इसे भी इकट्ठा हो जाएंगे, लाइन बाय लाइन हो जाएंगे सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कोरोना की वजह से। और आप सभी के यहाँ पर वेक चेक किए जाएंगे। चेक चेक करने के बाद में आप सभी के RT-PCR नेगेटिव सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, जो कि 96 आवर से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 96 आवर से ज़्यादा पुराना हुआ तो आपको एक तरफ अलग से कर दिया जाएगा। उसके बाद में ये गेट है, इस गेट से आप यहाँ पे इसके गेट जाने से पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। इस पर पुलिस वेरिफिकेशन, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब चेक किए जाएंगे। आपका आप ये ध्यान रखो कि जो पुलिस वेरिफिकेशन है उसमें लिखा है कि SP के ही साइन करवा के जाना है, तो आप एडिशनल SP के साइन मत करवा के जाइएगा, क्योंकि मैं करवा के गया था एडिशनल SP के, तो मुझसे SP का मांगा था, तो मैंने बाद में SP के मंगवाया था क्वारंटाइन के टाइम पे। तो आप कोशिश करना कि आप SP के लेके जाओ, ठीक है। उसके बाद में जैसे चले जाते हो, जैसे आपका सब कुछ कम्प्लीट होगा, डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे डॉक्यूमेंट आपका क्लियर हो गया उसके बाद आप इस गेट से एंटर करोगे। और जिन भाइयों का RT-PCR नेगेटिव सर्टिफिकेट है वो 96 आवर्स पुराना है, उनको यहीं पे रोक लिया जाएगा और उनको यहीं पे कोविड टेस्ट किया जाएगा, और बाकी के सब किसी डिवीज़न में चल जाएंगे। जैसे मान चलो आप गए अक्वा डिवीज़न में, तो अक्वा डिवीज़न में सबको यहाँ से अलग अलग रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और आप यहीं पे 7 दिन के लिए क्वारंटाइन रहोगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में लिखें, मैं उसके लिए अगली वीडियो बनाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।